हेलो एंड वेलकम, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। वैलेंटाइन वीक या फिर प्यार करने वालों के लिए वो सप्ताह जिसका हर दिन खास होता है। 7 फरवरी को शुरू होने वाला ये वीक 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ खत्म होता है। इस रोमांटिक वीक का एक दिन हग डे होता है जिसे 12 फरवरी को मनाया जाता है। नाम से ही साफ है कि ये डे खास तौर से प्यारी सी झप्पी को डेडिकेटेड है, लेकिन क्या इस दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे कोई खास वजह भी है, जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो। फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है। कड़ाके की सर्दी के बाद खिलती धूप देखकर मन खिल जाता है। बसंत के आने के साथ पौधों पर लगे फूल देखकर मिजाज बन जाता है। इसीलिए फरवरी में वैलेंटाइन वीक भी मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले हग डे पर अपने प्रेमी या प्रेमिका को गले लगाकर खुशियां साझा की जाती हैं। ये दिन रिश्तों में मिठास पैदा करता है। हग डे प्यार और स्नेह का इजहार करने का दिन है। माना जाता है कि किस डे से पहले आने वाला ये हग डे एक स्टेप है कपल के लिए अपने प्यार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का। ऐसे कपल जो रिलेशनशिप के शुरुआती फेज में है, उन्हें अक्सर फिजिकल ऑकवर्डनेस फील होती है। प्यारी से झप्पी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कपल को एक दूसरे की कंपनी में ज्यादा रिलैक्स होने में मदद करती है। शादीशुदा या लॉन्ग टाइम कपल की बात की जाए तो हग डे उन्हें अपने लव लाइफ में फिर से रोमांस घोलने का मौका देता है। गले लगने पर आपके लव्ड वन को भी आपका अफेक्शन और लव महसूस होता है, जो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। हग लव्ड वन को रिलेशनशिप को लेकर आपके कमिटमेंट और प्यार को महसूस जब कराती है तो उन्हें रिश्ते में ज्यादा सिक्योर भी महसूस होता है। सुरक्षित महसूस करने पर आपसी समझ बेहतर होती है और गलत फहमियों को रिश्ते में जगह नहीं मिल पाती। हग डे मनाने के पीछे एक बड़ी वजह है। अगर आपका दिन बहुत बुरा बीते या आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपको अपने पार्टनर को हग करना चाहिए। इससे बुरा दिन भी अच्छा बन जाता है और आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।